हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका सायाट से और आज हम बना रहे हैं मसालेदार फ्राइड ढी। तो ये मैंने कुछ वेजिटेबल्स कट कर ली हैं, टमाटो, कैप्सिकम, ऑनियन एंड ग्रीन चिली। और एक बड़ी कटोरी मैंने सूजी ले ली है। इसमें मैं सारी ये जो वेजिटेबल्स हमने कट किए हैं ये बहुत छोटे छोटे पीस में मैंने चॉप किए हैं, तो इनको हम मिक्स कर देंगे। और इसके अलावा भी जो वेजिटेबल्स आप चाहते हैं वो सारी इसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छी सी लगती है फ्राइडली जब इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स होती है। और ये इस बहाने हम बच्चों को भी बहुत सारी वेजिटेबल्स खिला सकते हैं। इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे और पानी के साथ इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे हम। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हम पानी मिक्स करते रहेंगे। और इस तरह हम सारी वेजिटेबल्स को सूजी में अच्छे से मिक्स हो गई हैं। ये हमारा एक स्मूथ पेस्ट बन गया है इडली का। अगर हमें लग रहा है तो हाथ से बहुत अच्छी तरह सारी चीज़ें मिक्स होती ही है, हाथ को यूज़ कर लिया है मैंने, मुझे लग रहा था थोड़ा अच्छे से नहीं मिला है। और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली स्किप कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और कुकर को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है गैस पे। मैं कुकर में अपना इडली का सांचा रखने वाली हूँ। इसमें एक कटोरी पानी डाल दिया है स्टीम करने के लिए। तो इतने हम ये हमारा इडली का सांचा तैयार है, हम इसको कर लेते हैं। तो इसमें मैंने ग्रीस कर लिया है, इससे क्या होगा इडली का पेस्ट इसमें बिल्कुल चिपकेगा नहीं। और जब हम बनाने जा रहे हैं तो मैं इसमें इनो मिलाने वाली हूँ। इनो से क्या होगा कि ये इसमें जो एक फूलता है ना जैसे डो, और बहुत अच्छा सा एक मिक्सअप वाली आ जाती है, बाइंडिंग हो जाती है। जैसे हम दही को कुछ टाइम रख के खमीर उठाते हैं वो चीज़ आ जाती है, इनो से इंस्टेंट में आ जाती है। और अगर हमें दही यूज़ करना है तो हमें 3 से 4 घंटे हमें रखना पड़ेगा। तो मैं फटाफट वाली बना रही हूँ। तो हमने इनो मिक्स करके एक बारी सब चला लेंगे और इसको ब्लॉक में डाल, इसमें ये जो हमारा सांचा है लॉक है इडली का, इसमें हम फिल कर देंगे इस पेस्ट को। और इसको हम लॉक करके इसके पेस्ट से और सेफली हम कुकर के अंदर रख देंगे। कुकर गर्म है और पानी बॉयल होने लगा है। कुकर के ढक्कन में से मैंने बिसल सीटी निकाल दी है। तो इसमें क्या होगा, जो स्टीम बन रही है ना वो ऊपर की तरफ आएगी। जब स्टीम थोड़ी कम होने लग जाए करीब 10 से 12 मिनट के बाद हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। ये हमारी इडली कंप्लीट बन गई है। अगर आपको लग रहा है तो 2 मिनट और पका सकते हैं। और वैसे भी थोड़ा मॉइस्चर होता है ना, उसे अगर 5 मिनट रखेंगे वो सब उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इडली देखो कितनी अच्छे से स्मूथली निकल गई है क्योंकि हमने इसको ग्रीस किया था ब्लॉक को। और ये इडली हम इस तरह से भी चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, चटनी या सॉस के साथ, क्योंकि ये पूरी स्टीम इडली हो गई है। ठीक है, अगर हम डाइट का कर रहे हैं तो हम इस तरह से इसको इंजॉय करें। लेकिन मैं मसालेदार फ्राई इडली बना रही हूँ तो मैंने पूरी सारी इडली को 2 पीस में कट कर लिया है। और ये ऑनियन और थोड़े मसाले ले लिए हैं फ्राई करने के लिए। कढ़ाई रख दी है, गर्म हो गई है। 1 बड़ी चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया है। और ये मस्टर्ड सीड है, आप चाहें तो इसमें जीरा या राई भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें थोड़ी सूखी लाल मिर्च और करी पत्ता और ऑनियन, इसको एक साथ में मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और प्याज हम अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, मैंने बड़ी बड़ी कट की थी। थोड़ा नमक ऐड कर दिया है और थोड़ी हल्दी और ये कश्मीरी लाल मिर्च, इससे क्या होगा बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। ये इसको हम अच्छे से मसाले को भूनने के बाद, ये सारी जितनी भी इडली हमने जो बॉयल इडली थी इसको हम सब स्टीम इडली को हम इसको इसमें मिक्स कर देंगे और मसाले में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे।
तो हमारी मसालेदार चटपटी इडली बनके तैयार है। और इसमें मैंने एक नींबू का रस भी डाल दिया है, तो ये हमारी, हम इस तरह से भी इंजॉय कर सकते हैं स्टीम इडली को और मसालेदार इडली, दोनों इडली ही बहुत टेस्टी लगती हैं। और ये चटनी का लिंक मैं आई बटन पर दे दूँगी, तो आप इस तरह से, आपको आज की मेरी रेसिपी इडली, मसाला इडली कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।